हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी बुक। 1 to 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। किसी बच्चे का कोई एक्सरसाइज, कोई टॉपिक छूट गया है तो क्लास सिक्स मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट से सोल्व कर सकते हैं। अब हमने 7 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है फ्रैक्शन। 7.1 और 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और 7.3 एक्सरसाइज के हमने 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाते हैं, तो दोनों लैंग्वेज के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दे रखी है, जैसे तुम अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। ये रमेश है 20 पेंसिल। रमेश के पास कितनी पेंसिल है? 20 पेंसिल। सीलू है 50 पेंसिल और सीलू के पास 550 पेंसिल है। एंड जमाल है 80 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल है। तीन बच्चे हैं, रमेश इसके पास 20 पेंसिल है, सीलू इसके पास 50 पेंसिल है और जमाल इसके पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद एक बार स्टार्टिंग में ला के दे दी रमेश को 20 पेंसिल, सीलू को 50 पेंसिल और जमाल को 80 पेंसिल। अब 4 महीने बाद अब कुछ पेंसिल तो यूज होंगी, 4 महीने वो ऐसे कैसे तो रखी नहीं रहेंगी। रमेश यूज अब 10 पेंसिल, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर लिए। सीलू यूज अब 25 पेंसिल और सीलू ने 25 पेंसिल यूज कर ली है। जमाल यूज अब 40 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल यूज कर लिए। ये बहुत ही ज़्यादा पेंसिल यूज कर रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा लिखते हैं या शार्प ज़्यादा करते हैं ना। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कितना फ्रैक्शन पेंसिल का प्रत्येक ने यूज किया है। देखो ये तो दे रखा 20 पेंसिल, 10 पेंसिल, 25 पेंसिल यूज कर लिए, बट हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। चेक इफ ईच हैज यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल। चेक करो क्या सारे बच्चे ने सेम फ्रैक्शन पेंसिल यूज की है। अब हम सेम यूज किया है या नहीं ये तो तब बताएंगे, तब हमें फ्रैक्शन पता हो कि कितना फ्रैक्शन पेंसिल का यूज कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल पेंसिल लिखते हैं और न्यूमिनेटर में जितनी पेंसिल यूज कर लिए वो लिखेंगे। तो टोटल पेंसिल विद रमेश, रमेश के पास टोटल कितनी पेंसिल है? 20 पेंसिल है रमेश के पास, तो टोटल पेंसिल कितनी है? 20 पेंसिल है। रमेश यूज अप, रमेश ने कितनी पेंसिल यूज कर ली? पेंसिल रमेश यूज अप, कितनी पेंसिल यूज कर ली रमेश ने? रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली। अब क्या निकालना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज अप, जितनी पेंसिल यूज हो गई है उसका फ्रैक्शन निकालना है। अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल लिखते हैं और ऊपर जितनी पेंसिल यूज हो गई है वो न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो रमेश का फ्रैक्शन कितना आ गया? 10/20 आ गया। अब सीलू का फ्रैक्शन करते हैं, सीलू के पास टोटल पेंसिल कितनी है? टोटल पेंसिल विद सीलू, सीलू के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 50 पेंसिल है। पेंसिल यूज अप सीलू,
कितनी पेंसिल यूज कर ली सिल्लू ने? 25 पेंसिल यूज कर ली है। टोटल 50 पेंसिल है और 25 पेंसिल उसने यूज कर ली है। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज अप। सिल्लू का फ्रैक्शन नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, और ऊपर क्या लिखेंगे? जितनी पेंसिल यूज हो चुकी है। तो फ्रैक्शन लिखना तो सभी को आता ही है। अब नेक्स्ट लिखेंगे जमाल का। टोटल पेंसिल विद जमाल, जमाल के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 80 पेंसिल। पेंसिल यूज अप जमाल। जमाल ने कितनी पेंसिल यूज कर ली है? जमाल ने 40 पेंसिल यूज कर ली है। अब इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ओ पेंसिल यूज अप कितना आएगा? नीचे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, ऊपर जितनी पेंसिल यूज कर ली है। तो 40/80 आ गए। मैंने तीनों का फ्रैक्शन निकाल लिया। रमेश का फ्रैक्शन कितना है? 10/20। सीलू का फ्रैक्शन क्या है? 25/50। और जमाल का फ्रैक्शन क्या है? 40/80। तीनों का फ्रैक्शन निकाल लिया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कितना फ्रैक्शन प्रत्येक ने यूज किया है। इससे आगे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है? चेक इफ ईच हैज यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। क्या सभी का फ्रैक्शन इक्वल है? तो इक्वल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करेंगे कि ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं। तो पहला क्या है? 10/20। दूसरा क्या है? 25/50। और तीसरा फ्रैक्शन क्या है? 40/80। हमें चेक करना है क्या ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। अभी देखो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25। अब 10 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 30, 40 ऐसे आएगा, मतलब लास्ट में 0 आएगा, 25 तो आएगा नहीं। अब हम ऊपर नीचे कट करके देख लेते हैं। 10/20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये क्या आ गया? 1/2। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2। 40 1 जा 40, 40 2 जा 80, 1/2। सभी बच्चे ने अपनी हाफ पेंसिल यूज कर ली है, 1/2 पेंसिल यूज हो चुकी है। तो क्या तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? हाँ, तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो क्या लिख देंगे? ईच हैज इक्वल अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल, कि प्रत्येक ने सेम पेंसिल यूज की है। तो यस, ईच प्रत्येक ने हैज यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल, कि अपनी पेंसिल का इक्वल फ्रैक्शन यूज कर चुके हैं। कैसे किया? नंबर वन बाई वन स्टेप करना है, बिल्कुल मिस नहीं करते चलना है, स्टार्टिंग से सोल्व करते हुए। कि रमेश का फ्रैक्शन निकाला तो क्या आ गया? 10/20। सीलू का फ्रैक्शन निकाला 25/50। और जमाल का फ्रैक्शन निकाला तो 40/80 आ गया। यहाँ तक तो आई होप सारे बच्चे अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ही निकालना था। नीचे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल और ऊपर जितनी पेंसिल यूज हो चुकी है वो न्यूमिनेटर में लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या था? क्या सारे के सारे बच्चों ने सेम पेंसिल, सेम नंबर ऑफ फ्रैक्शन यूज किया है? तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करेंगे।
हम सभी को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे क्या सारे के सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आ रहे हैं। सभी बच्चों ने अपनी पेंसिल का हाफ फ्रैक्शन यूज कर लिया है। जितनी पेंसिल थी उसमें से हाफ हाफ पेंसिल यूज कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यस, ईच हैज़ यूज अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। प्रत्येक बच्चे ने अपनी पेंसिल का इक्वल फ्रैक्शन यूज कर लिया है। तो ये हमने 8th क्वेश्चन किया है। हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर एक्सरसाइज का 7.3 का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तब तक के लिए पता है क्या करना है, यहाँ तक का सारा रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है और उसको सोल्व करते हुए चलना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।